कोविड के संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जहाँ तक तीव्रता अभी इस वाले वायरस में नहीं है, और अभी हमने पूर्ण तैयारी कर रखी है। दीनदयाल में हमारे 180 बेड हैं, और बीएचयू सर सुंदर लाल में 800 सुपर बेड हैं, साथ साथ 30 बेड अलग से कभी चौरा में हैं। तैयारियां पूरी हैं, हर स्तर पे है, लेकिन मैं आपके माध्यम से अपनी जनपदवासियों को यह बताना चाहूँगा कि अगर वो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें, मास्क पहने, 2 गज दूरी रखें, पूर्ण वैक्सीनेशन पे सहयोग करें, प्रथम डोज सेकेंड डोज घर से निकल के अपना अपने आसपास वालों का, तो ये बहुत ज़्यादा हमें कोई घबराने की बात नहीं है और हम इससे बच सकते हैं और अच्छी तरह सुरक्षित हो सकते हैं। अभी संख्यात्मक रूप पे हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ संक्रमित हुए हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि किसी को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, और ना ही कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हो रही है, ना ही उन्हें कोई ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और हल्का फुल्का बदन दर्द, हल्का वायरल सिम्टम्स के साथ साथ बहुत शीघ्रता से वो घर में होम आइसोलेशन में रह के एकदम ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं सभी आप जनपदवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर मास्क पहने और घर से बाहर आवश्यकता हो तो तभी निकले, और कोविड टीकाकरण अगर संपूर्ण टीकाकरण जल्द से जल्द करा लें, तो ये देखा गया जिनको टीका लगा है उनमें तीव्रता नहीं या नहीं मारती है, तो मास्क और टीका यही सब चीज़ बचाएगा। इसी को मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा, इस पर आगे बढ़ भर के अपने घर से अपने पास, ये जरूरी नहीं कि उनको टीका लगे, ये जरूरी कि उनके आसपास उठने बैठने वालों को भी टीका लगे, ये सुनिश्चित करें, और घर से निकल के ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण में सहयोग करें, जल्द से जल्द सहयोग करें, तो हम सब सुरक्षित हैं। अभी हमने लगभग 30,000 से ऊपर बच्चों को कवर कर लिया है, और हम अभी स्कूल्स में जाके ये अभियान कर रहे हैं। कक्षा 9 और 10 के बच्चों को आज लग रहा है, 11 और 12 के बच्चों को सोमवार और मंगलवार को। मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगा अपने बच्चे स्कूल में भेजिए जो निर्धारित दिन दिए जा रहे हैं, और 100% टीकाकरण हर स्कूल करे। हर स्कूल के प्रिंसिपल टीचर की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके यहाँ के सभी बच्चे 100% टीकाकरण हो जाए, इसमें वो हमें सहयोग करें। अगर कहीं भी कमी है, छूट जाए, वो कभी भी हमें फ़ोन करें, हम तुरंत वहाँ जाकर सेशन लगाएंगे, और ये मेरा संकल्प है कि हम 100% उनके यहाँ टीकाकरण करेंगे, हमें वो सहयोग करें। हमें सभी, सबसे पहले बच्चों में उत्साह, बच्चों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, और लगभग सभी विद्यालय का हमें सहयोग मिला है। जहाँ पे हमारी कुछ गैप्स हो जा रहे हैं उसको हम फिलअप भी कर रहे हैं, लेकिन हमें सहयोग अभी पूर्णतः सभी विद्यालयों से पूर्ण। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।